नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अकोला के जाने माने मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर दीपक केलकर। इन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आज हम जानते हैं, पूछते हैं सर से कुछ सवाल जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। सर, वेलकम सर। थैंक यू। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है सर कि हम देखते हैं कि हमें गुस्सा, सोच बहुत, यानी ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान है लोग आज के भागदौड़ भरी जिंदगी से। तो हम अपनी सोच को या फिर अपने विचारों को, ओवर थिंकिंग को नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, उस पर प्रतिबंध कैसे कर ला सकते हैं? देखो, हर एक को ऐसा लगता है कि भाई मुझे बहुत विचार आते हैं, और कुछ कुछ लोग तो ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा ही सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इतना सोचते हैं कि छोटी छोटी बात के ऊपर उनकी सोच चालू हो जाती है। जैसे समझो आपका बच्चा होगा, घर पे नहीं आया, 7 बज गए, नहीं आया तो क्या हो गया, क्या होगा, कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या, फिर कहीं गिर गया तो नहीं, या आपके हस्बैंड घर पे नहीं आए तो फिर आपको चिंता लगेंगी, है ना। मतलब जैसा कोई भी ऐसा छोटी बात हो गई तो ट्रेन में अपने समझो जाना है कहीं बाहर गाँव, ट्रेन टाइम पर नहीं आए तो क्या करना, फिर बर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हालांकि ये लोगों के पास में बर्थ पक्का रहता है, कंफर्म रहता है, तभी बर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नींद आएगी कि नहीं आएगी रात में गाड़ी में, ऐसा छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत सेंसिटिव रहना और बहुत ज़्यादा विचार करना, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो निगेटिव विचार रहते हैं। मतलब इतना कुछ कुछ लेडीज़ को इतना है कि मैं शाम का खाना कौन सा बनाना, फिर वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो टेस्टी रहेगा क्या, फिर वो सब्जी मुझे मेरे हस्बैंड को पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, मतलब ऐसी छोटी बात वो भी चिंता करेंगे, या फिर मैं गिर जाऊंगी, या किसको अटैक आ गया अपने घर में तो कैसा होगा, कोई बीमार पड़ गया तो कैसा होगा, या मेरे हाथ गंदे हैं तो अपने को साफ करना पड़ेगा, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार साफ करे, या कुछ तो भी अपन बुरा काम करेंगे क्या, या मुझे अटैक आएगा क्या, अटैक आएगा तो मेरा क्या होगा, या फिर कुछ लोगों को डर लगता है बाहर जाने का डर, रास्ता पार करने का डर, ओपन स्पेस में जाने का डर लगता है, तो ऐसे मतलब छोटी छोटी बात के ऊपर उनको कुछ ना कुछ डर है, कुछ ना कुछ विचार है, और वो कंटिन्यूसली थिंकिंग 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 चिंता 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 चालू रहती है। ऐसा बोलते हैं कि चिता जो है, चिता वो मरे हुए आदमी को जलाती है, और चिंता जो है वो जिंदा आदमी को जलाती है, है ना। तो इतना चिंता से मतलब होता क्या है कि चिंता जो है उससे दुष्परिणाम भी होते रहते हैं, आपका हार्ट है जो धड़ 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 करेगा और चिंता की वजह से हाथ कांपेंगे, पसीना आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे काफ़ी सारी बातें चिंता की वजह से होती रहती है। और फिर कुछ लोग जैसा बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग करेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग करेंगे और फिर उनकी लिंक लगते जाएंगे ऐसे। तो इसको यही है कि भाई थिंकिंग होने वाला ही है, चालू रहने वाला है, वो लाइफ ईजी लेते नहीं है, स्ट्रेस लेते हैं, है ना। तो लाइफ ईजी लेना चाहिए, क्या होगा समझो, ठीक है बुरा होगा तो क्या होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट, हम बोलते हैं कि वर्स्ट कम वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या होगा, हो गया तो मेरी तैयारी है उसको फेस करने की, किसी भी चिंता करना है। प्रॉब्लम ये लोगों का क्या रहता है कि वो प्रॉब्लम 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 के ही बारे में सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो इनको ओवर थिंकिंग कम हो जाएंगी, ठीक है ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा या करूंगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उसका सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन में क्या करूंगा वो सोचना है, rather than प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। तो ये करेंगे तो होगा, वैसे ही हम हिप्नोथेरेपी लोगों को सिखाते हैं, हिप्नोटिज्म, वो करेंगे रेगुलरली तो मन काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, शांत होता है, थिंकिंग काफ़ी सारी कम हो जाती है, हम सूचना देते हैं, अफर्मेशन देते हैं। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी हम करते हैं, CBT बोलते हैं, तो वो भी हम थेरेपी जब करते हैं तो उससे भी काफ़ी लोगों की थिंकिंग कम हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, इतना कि लोगों को नींद भी नहीं आ रही है, तो फिर उसके लिए हम थोड़ी दवाई देते हैं कि दवाई से थोड़ी सी शांति आ जाएगी, दिमाग को टेंशन स्ट्रेस कम हो जाएगा और उससे भी काफ़ी फायदा होता है। मगर बिना दवाई का हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, और वो है हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार या साइकोथेरेपी, मानसोपचार। तो आपने सुना, सर ने कहा कि सर के पास उनके हॉस्पिटल में ओवर थिंकिंग पर जो समस्या है हमारी, तो उनके हॉस्पिटल में इस पर भी इलाज किया जाता है। आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपके घर में या फिर आपको ये समस्या है तो आप उनके पास आकर या फिर उनका कांटेक्ट
नंबर लेकर या फिर किसी तरह YouTube पर भी आपका कांटेक्ट नंबर है ना सर? यस, यस। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी समस्या को आप पूरी तरह से जड़ से मिटा सकते हो। तो सर से पूछते हैं अगला सवाल, नकारात्मक सोच को आप नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं सर हम? या इसमें तो आपने पहले ही बता दिया कि लोग जब ज्यादा सोचते हैं तो उसके साथ ज्यादा सोच के साथ नकारात्मकता भी आ जाती है। तो सोच पर तो आपने बता दिया है, लेकिन नकारात्मकता उस पर क्या इलाज बताएंगे? क्या कि जो लोग ज्यादा मतलब थिंकिंग ज्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं समझो कर रहे, तभी भी लोग सोचते तो ही। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मतलब स्टडीज बताती है कि 50,000 से 60,000 थॉट्स विचार हमारे दिमाग में रोज आते रहते हैं, कंटिन्यूसली आते रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर वो निगेटिव थॉट रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हरदम कि भाई ये ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, ATM है अपना दिमाग, मतलब ATM है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है। और दूसरा है वो एंट है, एंट मतलब क्या है? ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, ANT एंट। और उसका काम है कि ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट ही पैदा करना। और वो हम कुछ भी सोचते हैं कॉन्शियस माइंड से, कुछ भी सोचते हैं, तो जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट की जो मशीनरी है वो उल्टा ही सोचेंगे, नकारात्मक ही सोचेंगे। और उसका काम ही है कि नकारात्मक सोचना, मतलब उसका काम बराबर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने सोचा है कि नहीं मैंने है ना एक्सरसाइज करना चाहिए, तो एक्सरसाइज करना चाहिए मैंने सोचा है, ये मैं सोच रहा हूँ। अभी नकारात्मक सोच जो आती है तो वो सवेरे उठने के बाद में, सुबह सुबह जब मैं ब्रश वगैरह करता हूँ, चाय लेता हूँ, अभी एक्सरसाइज का टाइम आ गया, फिर मेरी नकारात्मक सोच बोलेंगी कि नहीं आज के दिन रहने दो, है ना, अपने को बहुत ज़्यादा काम है, आज बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार होना है, बाहर जाना है, इतना काम पड़ा हुआ है, ऐसा करेंगे मैं शाम को एक्सरसाइज करूँ, और ऐसा बोल के मैं सुबह एक्सरसाइज टाल देता हूँ। वो कौन कर रहा है? मेरी तो इच्छा थी एक्सरसाइज करने की, मगर नकारात्मक सोच ने क्या बोला, शाम को करेंगे, और शाम को फिर समय मिलता नहीं है, या शाम को समय मिला भी तभी फिर बोलेंगे नहीं अभी तो खाना खाने का टाइम हो गया, फिर खाना खाओ, फिर ऐसा करेंगे अभी कल से चालू करेंगे एक्सरसाइज, और फिर हम कल से करेंगे। नकारात्मक सोच आती है, समझो मैं एग्जाम दे रहे तो आएंगे विचार, नहीं नहीं फेल हो गए तो क्या होगा, फेल होंगे क्या, बिजनेस चालू करना है तो सोच आएंगे नहीं बिजनेस तो फेल ही हो जाएगा। मतलब हर बार एक अपन ने निगेटिव व्यक्ति अंदर बिठा के रखा हुआ है, उसका काम ही निगेटिव बोलना बार बार, तो इसमें से छुटकारा कैसे पाए, ये सवाल है आपका, है ना, कि भाई नकारात्मक सोच कैसे कम करे, कंट्रोल कैसे करे, ये तो आना ही है। तो अभी पहली सबसे पहली जो स्टेज है वो स्टेज है कि पहले उसको एक्नॉलेज करो कि नकारात्मक सोच रहने वाली है ना, वो तो आने वाली है, और वो दुनिया में सभी लोगों को है, 750 करोड़ लोगों को नकारात्मक सोच है दुनिया के, और इंडिया के 135 करोड़ लोगों को नकारात्मक सोच है, सबको नकारात्मक सोच आती है। तो नकारात्मक सोच आती है, नकारात्मक सोच आना नॉर्मल है, और उसको एक्नॉलेज करना, उसकी नोन लेना कि ठीक है आती है, ओके ठीक है आने दो उसको, उसको प्रेजेंट हो जाओ कैसे ही है, और फिर उस समय मैंने ये बोलना है कि भाई मैंने क्या ठहराया था, मैंने तो ये ठहराया था कि एक्सरसाइज करना, सोच क्या बोल रही है कि आज के दिन रहने दे, क्या मैं मेरे शब्द का पालन करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे शब्द का पालन करना चाहिए, मैंने शब्द किसको दिया है, मैंने शब्द मेरे को दिया है कि नहीं नहीं मैं आज से एक्सरसाइज करने वाला हूं। तो नकारात्मक सोच को बोलना थैंक यू वेरी मच, आपने जो बोला शाम को करेंगे, मेरा जवान है कि नहीं अभी सुबह करना एक्सरसाइज, तो मैं अभी करूंगा एक्सरसाइज, उसकी सुनना नहीं है, नकारात्मक सोच की सुनने का नहीं है, उसको प्रेजेंट हो जाने का है कि वो नकारात्मक बोलने वाली है, उसको एक तो थैंक यू बोलो या उसको शटअप करो कि शटअप मेरे को मेरा काम करने दो, और वो आएंगी हर बार आएंगी, और वो आ गई तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, देखेंगे क्या करना, क्योंकि वो अपना काम कर रही है, मुझे मेरा काम करने का, तो यहां से वो कंट्रोल हो सकती है। बाकी नकारात्मक सोच मरते दम तक दुनिया के सभी व्यक्ति को रहने वाली है, मरते दम तक सबको, ऐसा कोई नहीं कि जिसको नहीं है। तो इस पर उपाय यही बताया है सर ने कि आपको अगर नियंत्रण रखना है नकारात्मकता पे, तो आपको यही ही करना है कि आपने जो भी काम तय किया है, जो भी आपने तय किया है कि मैं अभी ये करने वाला हूँ, तो उसको अगले पल के लिए टाले नहीं, यानी कि खुद का माइंड डाइवर्ट यानी बदलने के लिए, वो नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए आपको, आप खुद को किसी दूसरे काम में व्यस्त कर लीजिए, आपको जो भी पसंद है वो काम कर लीजिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे,
कि हम बहुत से बार खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, हम खुद के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं बहुत से बार, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, खुद के लिए जब स्टैंड लेना पसंद करते हैं कि हमारे हमें किसी ने सुनना चाहिए या फिर हमारे जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होनी चाहिए, कि हमें जैसे हम चाहते हमें वैसे जीने को हमें मिलना चाहिए, अगर ये बात जब हमारी पूरी नहीं होती है तो हम एकदम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या कितना भी सहनशील इंसान हो तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो खुद से भी, वो जब समय गुजर जाता है तो वो बोल खुद से भी परेशान हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इस बात से खुद को कैसे बचा सकते हैं शॉर्ट गुस्से को, एकदम से आने वाला गुस्सा शॉर्ट टेम्पर अगर किसी का स्वभाव है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उस पर आप कुछ सुझाव करेंगे? देखिए, हम गुस्सा आता है या हम अपसेट होते हैं, अपसेट होना, विचलित होना, गुस्सा आना, ये प्रमुख तीन कारण है उसके गुस्सा आने के। एक है कि थ्वार्टेड इंटेंशन बोलते हैं, थ्वार्टेड इंटेंशन मतलब अपना जो उद्देश्य है उसको काट दिया गया, उद्देश्य को काट दिया गया, मेरे मन में कुछ उद्देश्य है, मुझे ये करना है वो करना है, जैसे मेरा उद्देश्य है कि चलो आज मुझे ट्रेन का टिकट मिलना चाहिए और मैंने बॉम्बे जाना चाहिए, और फिर वो काट दिया गया, मुझे किसने तो भी नहीं बोला या टिकट नहीं मिला, कन्फर्म नहीं मिला, मेरा कैंसिल करना पड़ा, और वो जहाँ मेरा इंटेंशन था कि बॉम्बे जाने का है तो मैं अपसेट हो गया कि मेरे को टिकट नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं थ्वार्टेड इंटेंशन, मतलब अपने उद्देश्य पूर्ति नहीं होना। मुझे ऐसा उद्देश्य था कि मैंने कोई एग्जाम क्रैक करना चाहिए, इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए, और वो मेरा उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ, मतलब वो जो है वो रिजल्ट मुझे मिला नहीं, तो फिर क्या होता है, मुझे अपसेट होता है, गुस्सा आ जाता है, अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है, उसको बोलते हैं थ्वार्टेड इंटेंशन। फिर दूसरा जो है अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब है कि अपेक्षा भंग होना है ना, और ये हरदम चालू रहता है। मनुष्य प्राणी क्या है, मनुष्य प्राणी हरदम अपेक्षा रखता है कि मैं ऐसा करूंगा तो उसने ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा तो उसने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, हर बार पति का पत्नी से अपेक्षा होती, पत्नी की पति से, माँ की बच्चे से, बच्चे की माँ से, दोस्त के दोस्त से, हर एक के लोगों की, आपके आजू बाजू के लोगों के लिए जो भी आप कुछ करते उनके साथ जो करते हैं अपनी अपेक्षा रहती है, और वो अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, उसको बोलते हैं अपेक्षा भंग होना, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन। कहता है मैंने आपको मदद किया और मेरी अभी अपेक्षा है कि आपने मुझे करना चाहिए मदद और आप करते नहीं हो, और फिर मैं अपसेट हो जाता हूँ। अभी करना क्या है कि, और ऐसा रहता है कि नहीं उसने तो उतना समझ के लेना चाहिए ना मेरे को, जैसे आपका ऐसा होगा कि नहीं मेरे पति ने मुझे समझ के लेना चाहिए ना, इतना तो समझ के लेना चाहिए, मतलब ऐसी अपेक्षा है, अच्छा वो समझ के लेते नहीं है फिर आप अपसेट हो जाएंगे, इतना तो वो करना चाहिए ना, इतना तो फिर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लड़के ने टाइम पे घर पे आना चाहिए, पत्नी ने या पति ने टाइम पे घर पे आना चाहिए, उसने मुझे पैसे उधार देना चाहिए, लोगों ने मतलब ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहिए, अनरिजर्व कंपार्टमेंट वाले लोगों ने रिजर्व कंपार्टमेंट में आना नहीं चाहिए, मतलब जो भी आपके ये है शुड, दिस शुड हैपन, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं कहीं जाता हूँ तो गैस का सिलेंडर मुझे जल्दी मिलना चाहिए या मुझे टिकट जल्दी मिलना चाहिए, जो भी है, तो ये जो है कि अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी होती नहीं है तो फिर हमको गुस्सा आता है। फिर सबसे बेस्ट क्या है इसमें ये है कि भाई अपेक्षा ही नहीं करना, और ये बहुत बड़ा जीवन जीने का तरीका है जो लोगों को संभव नहीं है, बिना अपेक्षा जीवन जीना बहुत कठिन बात है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है कि वो अपेक्षा ही रख के जीवन जीता है। आप काम के लिए काम करो बिना अपेक्षा का, समझो आपको आपके दोस्त को मदद करनी है, कुछ भी करना है, आप वहां अपेक्षा मत रखो कि ये मुझे मदद करेगा इसलिए मैं भी मदद कर रहा हूँ, नहीं मैंने मदद करना है, मुझे जो भी काम करना है उसमें आनंद लो, जो भी काम करना है उसमें मजा करो, वहां ऐसा मत रखो दिमाग में कि नहीं ये मुझे रिटर्न में मिलने वाला, रिटर्न में आपको जीरो मिलने वाला है, अंडा जीरो मिलेंगे आपको रिटर्न में, हाँ मिल गया तो बोनस लॉटरी लग गई। 10% लोग ही अपेक्षा पूर्ति करते हैं, मतलब आपने 10 लोगों को सपोर्ट किया, 10 लोगों को हेल्प किया,
तो आप ऐसी अपेक्षा मत करो कि 10 लोग आपको हेल्प करेंगे, 10 में का एक आधा व्यक्ति हो सकता है कि एक, हो सकता है उससे भी कम, 20 में से एक होगा कि वो आपकी अपेक्षा पूर्ति करेगा। और फिर आपको अपेक्षा रखनी है तो फिर बेस्ट यह है कि आप लोगों को बोलो कि मेरी ऐसी अपेक्षा है। हम क्या करते हैं, अपेक्षा रखते हैं और बोलते नहीं है, क्लियर कर बात नहीं करते, और फिर अपेक्षा भंग होता है, फिर अपसेट हो जाते। तो एक तो ये बोलो कि भाई नहीं भाई, आपके पति को पत्नी को जिसको भी है कि नहीं मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आपने 7 बजे के पहले घर पे आना चाहिए, ये बोलेंगे नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी, बोलेंगे नहीं, और फिर बाद में अपसेट हो जाएंगे। तो ये अपेक्षाएं रखना नहीं है। कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तीसरा जो है वह है अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन। पहला मैंने बोला थ्वार्टेड इंटेंशन, मतलब उद्देश्य पूर्ति नहीं होना, पहला। दूसरा मैंने बोला अपेक्षा भंग होना, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन। और तीसरा कारण जो है अपसेट होने का वह है अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि मैंने सीधी बात नहीं करना, स्ट्रेट बात नहीं करना, दबा दबा के रखना है। मुझे आपके प्रति कुछ बोलना है, मैं बोलता नहीं, क्यों मुँह नहीं बोलता, विचारों को दबाना, आप में क्लियर कर बात नहीं करता। मुझे बात करनी है आपके बारे में, कुछ आपसे बात करने में मुझे डर लगता है, नहीं समझो नाराज हो गई तो फिर मैं दबा के रखूंगा, नाराज हो जाएंगे या गुस्सा कर लेंगे या कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे या ऐसा कुछ हो गया, तो इसलिए फिर मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं दबा के रखता हूँ। तो जहां जहां हम कम्युनिकेशन संवाद बंद कर डालते हैं तो वहां ज्यादा अपसेट होते हैं। मैं हरदम बोलता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता क्या, कुछ भी हो गया तो पहला काम क्या होता है, संवाद बंद कर डालते, बातचीत बंद, बातचीत बंद करेंगे। उल्टा क्या है, जब अपसेट है तो बातचीत ज्यादा करनी चाहिए ताकि अपसेट अपना ठीक हो जाएगा। हम क्या करते, बातचीत बंद कर देते। तो ओवर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जब ज्यादा अपसेट है तो ओवर कम्युनिकेशन, ज्यादा बातचीत करना चाहिए, और ज्यादा बातचीत करेंगे तो वो गुस्सा कम हो जाएगा या आपका जो अपसेट है वो कम हो जाएगा। मगर हम जब जब ऐसा कुछ हो गया, झंझट हो गई, हम वो व्यक्ति से बातचीत करना बंद करते, कट्टी बोलना नहीं, अरे मग तेनी बोल लो भाई, और अपेक्षा क्या रहेंगी, उसने मेरे से बात करना है, अरे उसको क्या मालूम कि आपको, आप राह देख रहे बात करने की। आपने बोलना चाहिए कि मैं बात करूंगा, यदि आप बात करना चालू करेंगे तो मैं बात करूंगा, ऐसा भी बोलेंगे नहीं और सोचेंगे नहीं उसने बात करना चाहिए मेरे से फिर मैं बात करूंगा, मतलब वहां भी फिर अपेक्षा, बात करना बंद करेंगे, अपेक्षा भंग भी होगा फिर उसमें, और तो ये सब कारण है लक्ष्य विचलित होने का और गुस्सा आने का, ठीक है ना। तो ये तीनों भी हम उसके लिए प्रेजेंट हो जाते हैं कि नहीं भाई ठीक है, हमको ये देखना है कि गुस्सा कहाँ आ रहा है, विचलित कहाँ हो रहा है, विचलित कहाँ हो रहा है, विचलित कौन हो रहा है, विचलित मैं हो रहा हूँ, मैं मतलब कौन, मेरा दिमाग, बाहर कुछ भी नहीं है ना, बाहर जो भी हो रहा है वो हो रहा है, डिस्टर्ब कौन हो रहा है, मैं हो रहा हूं। तो मुझे ये मालूम हो रहा है कि डिस्टर्ब मैं हो रहा हूं, हो सकता है कि एक काम के लिए एक को गुस्सा आएगा, वही काम के लिए दूसरे को गुस्सा नहीं आएगा। समझा, आप होटल में जाते हो, होटल में जाके आपने ऑर्डर दे दिया वेटर को कि चलो ऐसा करो 2 रोटी लाओ, 1 सब्जी लाओ, 1 दाल फ्राई लाओ, और चलो जल्दी लाओ। अभी आपने राह देख रहे, उसने वेटर ने लाया नहीं, तो आप अपसेट हो गए, कितना टाइम लग रहा, कितना टाइम लग रहा, अब अपसेट हो गए। अच्छा, दूसरा बैठा है वो टेबल के ऊपर बाजू में, और उनको तो बैठना ही है होटल में जाके, और गप्पे मारना है उनको और कुछ प्लान करना है। अभी उन्होंने भी उतनी ऑर्डर दिया, 2 रोटी 1 सब्जी 1 दाल, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, उनको भी उतना ही टाइम लग रहा है, आपको भी उतना टाइम लग रहा है। फिर लेट करने में यदि गुस्सा है तो दोनों को भी गुस्सा आना चाहिए, मगर एक को गुस्सा आता, एक को आता नहीं, क्यों, क्योंकि उनको, उनको दिमाग उन्होंने शांत रखा हुआ और उनको मालूम कि अपने को बैठना है ना, इनको पहले वाले को जल्दी जाना है और उसकी अपेक्षा है कि जल्दी करना चाहिए दोस्तों। मतलब बोलने का मतलब यह है कि सिचुएशन में कुछ भी नहीं रहता है ना। अल्बर्ट एलिस नाम का मनोवैज्ञानिक था, उसने बोला है कि नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, ये सूरज के नीचे, ये सूरज की छत के नीचे अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, सही और गलत कुछ भी नहीं होता है, सत्य असत्य कुछ नहीं होता है। उसने बोला कि नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, नथिंग, इट इज अवर व्यू टूवर्ड्स इट दैट मेक्स इट सो। अपना देखने का नजरिया क्या है वो उसको ऐसा बनाता है, बाहर कुछ भी नहीं है।
तो आपको यहां देखना है कि अपसेट मैं हो रहा हूं, बाहर कुछ भी नहीं है। देखो पांचवें फ्लोर पे रहने वाला एक फैमिली है, रहने वाली एक फैमिली है पांचवें फ्लोर पे एक फ्लैट सिस्टम में, उनके बच्चे को 35% मार्क मिले, और आठवें फ्लोर पे रहने वाले एक और एक फैमिली है उनको बच्चे को 35% मार्क मिले। अब दोनों बच्चे लेके आए मार्कशीट, मार्कशीट के ऊपर लिखा है 35%। आठवें फ्लोर पे जो रह रहे हैं वो बहुत जश्न मना रहे, धूमधाम कर रहे, बोले पप्पू पास हो गया। तो आठवें मंजिल पे रहने वाले बहुत धूम कर रहे, बोले पप्पू पास हो गया, बहुत धूम कर रहे, उन्होंने पार्टी रखी है। और पांचवें फ्लोर पे रहने वाले है वो मातम मना रहे, बहुत दुखी है, बोले सिर्फ 35% मार्क मिले, अभी तो इसके एडमिशन आगे कैसे होंगी, इसका होगा क्या। तो मार्केट के ऊपर अपसेट लिखा है, मार्केट के ऊपर तो 35 लिखा है, उधर भी 35 लिखा है, यहां भी 35 लिखा है। तो आपने उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया, इसका मतलब गुस्सा कहां आ रहा है, आप उसको क्या मीनिंग लगाते हो, क्या इंटरप्रिट करते हो, उसके तरफ देखते कैसे हो, उसके ऊपर गुस्सा है, बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि दुनिया जो है लाइफ इज मीनिंगलेस ना, लाइफ में क्या मीनिंग है, लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। जिंदगी में क्या है, उसको भी 35 है, इसको भी 35 है, वो थोड़ी बोल रहा है मार्कशीट कि नहीं अभी इसका फ्यूचर जो है वो बहुत खराब हो गया, अब तो बहुत बेकार है 35 ही, ऐसा मार्कशीट बोल रहा है नहीं, उल्टा है कि 35% मार्क वाला पढ़ाई नहीं करेगा, है ना, 35% मार्क वाला पढ़ाई नहीं करेगा, 90 वाला पढ़ाई करेगा, 90 वाला पढ़ाई करेगा वो डॉक्टर वकील इंजीनियर बनेगा, या वो IAS बनेगा कलेक्टर, और ये 35 वाला जो है उसने पढ़ाई नहीं किया, कल वो इलेक्शन लड़ेगा, कल आमदार बनेगा, मंत्री बनेगा, और वो 90 वाले को अपने चैम्बर में बुलाएगा इधर आ मतलब कुछ भी हो सकता है ना। 35 वाला जो है वो 90 वाले को बुलाएगा कलेक्टर को कि मेरे चैम्बर में आ जाए, क्योंकि वो मिनिस्टर है आज और वो कलेक्टर है, तो 90 मिला इसका मतलब कुछ बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, 35 वाला भी बड़ा हो सकता है। और जो पढ़ाई नहीं है, जो पढ़ा भी नहीं है, 35 भी नहीं है, वो बनते हैं साधु महाराज बाबा, और वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो मिनिस्टर भी उनके पास में जाता है और वो कलेक्टर भी उनके पास में जाता है। मतलब जो पढ़ाई नहीं करता उसके तरफ तो उल्टा मिनिस्टर भी जाएंगे और वो कलेक्टर भी जाएगा पैर पढ़ने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए। तो जो पढ़ता ही नहीं वो महाराज बनता है, जिसको कम मार्क मिलते हैं वो मिनिस्टर बनता है, और जिनको बहुत ज्यादा मार्क मिलते हैं वो कलेक्टर बनता है। मगर बड़ा कौन है फिर, जिसके पैर पड़ रहे महाराज, जिसको स्कूल में नहीं गए महाराज बन गए, पढ़ाई नहीं किया महाराज बन गए। इसका मतलब क्या है कि अपन उसको क्या मीनिंग देंगे, उसके ऊपर है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया सर आपने हर सवाल का जवाब। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर उन्हें इससे आगे जाकर कुछ जानना होगा तो निश्चित ही सर से कांटेक्ट करेंगे। शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद दिल से। थैंक यू वेरी मच।